नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। इस कोरोना काल में राज्य सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन खोला गया। आपको बताएं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यहां पर खाना खिलाया जाता है, तो वहीं पटना सिटी के विधायक नंद किशोर यादव अचानक से निरीक्षण करने पहुंचे कम्युनिटी किचन। वहां पर जाकर उन्होंने खाने की क्वालिटी की जाँच की। जाँच के दौरान उन्होंने कहा कि खाने की क्वालिटी से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप सुनिए नंद किशोर के पूरे बयान। पटना सिटी में चार जगह कम्युनिटी किचन चल रहा है। एक तो गांधी आर कन्या विद्यालय जहां हम खड़े हैं, दूसरा पटना सिटी हाई स्कूल में, तीसरा पहाड़ी और चौथा नगर निगम के द्वारा गायघाट में। इन सभी कम्युनिटी किचन के माध्यम से सुबह और शाम लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना के संकट में गरीब लोगों को भोजन की कठिनाई न हो, कोई भूखा न सोए, इस संकल्प को साधने के लिए राज्य सरकार ने सार्थक पहल किया है। हमने आज निरीक्षण के दौरान भोजन के क्वालिटी में और सुधार करने का आग्रह किया है। कई प्रकार के सुझाव दिए। आपको बताएं कि निरीक्षण के दौरान वहां पर नंद किशोर के साथ और भी कई लोग मौजूद थे। उन्होंने जाकर खाने की क्वालिटी की जाँच की, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि पटना सिटी में टोटल 8 वैक्सीन केंद्र हैं जहां पर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। और आगे कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन की भी शुरुआत की जा रही है, ताकि जो अपाहिज लोग हैं, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते, उनको जाकर वैक्सीन दी जा सके। राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि सूबे में जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन दी जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पटना साहिब क्षेत्र में कुल 4 सामुदायिक किचन खोले गए हैं। पटना सिटी से बादल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।